इस तरह का जो कार्य था, अब ये कानून ऐसे बनाया गया, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस भी जवाबदेह होगी और ये जो कानून। सवा सौ डेढ़ सौ साल से चले आ रहे थे और मैं तो कह रहा हूँ कि वो न्याय के लिए नहीं, दंड के लिए। तो न्याय संगत इसको कानून को न्याय संगत बनाया गया है। तीनों जो कानून आए हैं ये देश हित में है, जनहित में है और समाज हित में है। इसी तरह से तीनों कानून को लाया गया और पहले लटकाना भटकाना इस तरह का जो कार्य था, अब ये कानून ऐसे बनाया गया तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस भी जवाबदेह होगी। और ये जो कानून जो बने हैं, मैं कह सकता हूँ कि जनहित के लिए बने हैं। जो पहले मैं कह रहा हूँ सौ सवा सौ डेढ़ सौ साल पहले से कानून जो चले आ रहे थे, परंतु इन कानूनों में जो बदलाव किया है, मैं कह रहा हूँ इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक न्याय संगत कानून बनाया और आम जन को इससे फायदा है। और जो दोषी है, जैसे आज देखने में आता है महिलाओं बच्चों के साथ बहुत जिस तरह का जो गैंगरेप इस तरह की होती है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले और तुरंत मिले। ऐसे नहीं कि कई वर्षों तक तो वो चलता रहे, फिर जनता में गलत धारणा जाती है कि इतने संगीन अपराध करने के बावजूद उसका कई वर्षों तक कोई न्याय नहीं हो पाता है और उनको दोषी नहीं ठहराया जाता है। अब ये सारे प्रावधान इसमें हैं, तीनों कानून जनहित के लिए, देशहित के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं में चाहे एस सी एस टी है, चाहे बच्चों चाहे आम जन के लिए ये कानून हितकारी है। और इस कानून में जो बदलाव किया है वो सारी स्थिति परिस्थितियों देखकर किया गया है, क्योंकि सौ डेढ़ सौ साल पहले जो कानून जो अंग्रेजों के टाइम ब्रिटिश टाइम से जो चला आ रहा था, वो वास्तव में इस देश के लिए वो देश हित के लिए वो ठीक नहीं था। इसलिए वो तर्क संगत बनाकर इन कानूनों तीन कानून जो आए ये देश हित के लिए, जनहित के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।